गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा ज्ञान के संचार में शिक्षक तथा छात्र की भूमिका। क्योंकि जो ज्ञान का संप्रेषण प्रसार जो किया जाता है वो किसके माध्यम से किया जाता है? शिक्षक के माध्यम से। यानी कि उसके प्रसार में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और छात्र की भूमिका भी उसके अंदर महत्वपूर्ण होती है। कहते हैं छात्र और शिक्षक की ये अंतःक्रिया होती है, अर्थात किस तरीके से शिक्षक को समझाया जाए इसमें ये कहते हैं शिक्षक की एक भूमिका हम ज्ञाता के रूप में भी जानते हैं। क्योंकि वो सभी विषय जो हमें पढ़ाने जा रहे हैं उस विषय का वो ज्ञाता होते हैं, यानी कि हमें ज्ञान देने वाले, अर्थात ज्ञान देने वाले की और ज्ञान लेने वाले की दोनों की भूमिकाएं महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि जब तक जो ज्ञान यानी कि जिस चीज के वो ज्ञाता है और उसका प्रभावी जो ज्ञान लेने वाले पर ना पड़े तब तक वो क्रिया अप्रभावी होती है। अगर हम कहें कि जो हमारे ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया में तथा उसके प्रचार प्रसार या संचार या संप्रेषण में जो ज्ञाता की भूमिका होती है, यानी कि हमारे शिक्षक की, ज्ञाता से हमें बहुत कुछ ज्ञात होता है, यानी हम जानते हैं उसे, और जानने वाले कौन होते हैं? छात्र होते हैं। इसमें हम कहें कि कुछ ज्ञाता होते हैं जो विषय से संबंधित होते हैं। हम कहें कि शिक्षक छात्र के लिए ज्ञाता है, जबकि छात्र क्या होते हैं? कुछ पहले से ज्ञात, उन्हें कुछ जानकारी पहले से होती है, लेकिन बाद में जब शिक्षक के द्वारा जो ज्ञान उन्हें दिया जा रहा है तब वो उस ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं। तो जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया होती है उसके अंदर छात्र की और शिक्षक की दोनों की अहम भूमिका होती है। शिक्षक के द्वारा पढ़ाया हुआ जब तक शिक्षार्थी पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं करे तब तक जो यानी शिक्षक की की हुई मेहनत कैसी होती है? व्यर्थ होती है। हम जो शिक्षण है उसको प्रभावी तभी मानते हैं, या हम कहें कि शिक्षक जो अपने उद्देश्य को लेकर चलते हैं कि मैं छात्र को अपने जो विषय संबंधित जो ज्ञान देने जा रहा हूँ उस ज्ञान की पूर्ण नॉलेज किसके अंदर आनी चाहिए? शिक्षार्थी के अंदर। अगर वही उद्देश्य शिक्षक का पूरा ना हो तो उसकी जो शिक्षण प्रक्रिया है वो अप्रभावी होती है, या कहें कि कहीं ना कहीं उनके ज्ञान में वो कमी होती है कि वो पूर्ण तरह से बच्चों को वो विद्यार्थी तक वो नहीं पहुंचा पाए। इसीलिए शिक्षण प्रक्रिया में संचार प्रक्रिया में ये एक शिक्षक की जो ज्ञाता के रूप में भूमिका होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं? विशेष संदर्भ को हम पृथक पृथक करते हैं, यानी कि हर पार्ट हम देखते हैं। यहाँ हम ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया का संबंध शिक्षक और शिक्षार्थी से संबंधित होता है। ज्ञान के निर्माण में एक शिक्षक द्वारा छात्र की सहायता की जाती है, क्योंकि जो ज्ञान वो दे रहे हैं उसमें शिक्षक की भूमिका, हमने पहले भी कहा था कि शिक्षक हमारे सहायक होते हैं, वो शिक्षक पूरी तरह से ज्ञान देने में उनकी सहायता करते हैं। ये सहायता की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक क्या करते हैं? विषय से संबंधित ज्ञान है उनको खोजते हैं, नए नए ज्ञान को, और जो नया नया ज्ञान वो खोजते हैं उस ज्ञान को वो विद्यार्थी तक पहुंचाते हैं। फिर क्या है कि ये जो उनकी शिक्षण प्रक्रिया है दोनों की, यानी कि वो तो ग्रहण छात्र को ग्रहण करते हैं और जो हमारे शिक्षक हैं वो शिक्षार्थी तक उसे पहुंचाते हैं। तो ये प्रक्रिया एक अलग यानी कि लंबी प्रक्रिया चलती है। तो ये शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच की एक अंतःक्रिया मानते हैं हम। और ज्ञान देने वाले को अगर हम नाम से संबोधित करें तो वो ज्ञाता है, यानी कि उस चीज के पूर्णतः से वो उस विषय में पारंगत ज्ञाता है, उस चीज के विद्वान है, तो वो चीज हमें वो प्राप्त होती है। शिक्षक के पास जो ज्ञान है वो दोनों का सहयोग करके, दोनों को कहते ना कि अगर ज्ञान शिक्षक के पास है उस ज्ञान को जब तक हम बांटे नहीं, ज्ञान का हम देखते कि ज्ञान को हम जितना बांटते हैं ज्ञान उतना बढ़ता है। तो वही क्रिया है कि शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच का ये ज्ञान की एक संयोग क्रिया होती है दोनों को जोड़े रखने की, और उनकी जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको प्रभावी बनाने की, उनके ज्ञान की वृद्धि करने के लिए,
तो ये जो क्रियाएं होती हैं, ये ज्ञान जब वो संचार करेंगे तो उनके ज्ञान में स्वतः ही वृद्धि होती चली जाती है। और शिक्षार्थी के लिए वो ज्ञान जो ग्रहण करते हैं वो अपने जीवन में उनके लिए उपयोगी होता है और वही ज्ञान वो अपने जीवन में काम में लेते हैं। इस प्रकार ज्ञान के निर्माण की जो प्रक्रिया संपन्न होती है, ज्ञान के निर्माण में शिक्षक और छात्र दोनों की भूमिका संयुक्त रूप से देखी जाती है। अब किस तरीके से हम देखते हैं कि ज्ञान के संचार में, जो हमने लिखा कि ज्ञान के संचार में शिक्षक और छात्र की कौन कौन सी भूमिकाएं होती हैं, किस रूप में होती है, इन दोनों की भूमिकाएं कैसे महत्वपूर्ण होती हैं, वो हम विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से यहाँ समझेंगे। और साथ में बच्चों, ये जो बिंदु मैं आपको लिखवा रही हूँ, इसे आप अगर मैं लिखूंगी तो आप ये कहेंगे कि ये हमारे लेसन प्लान में एक विशिष्ट उद्देश्य में भी उनका समायोजन होता है। तो क्यों होता है वहां पर? क्योंकि हम क्या बनने जा रहे हैं? शिक्षक। तो हमें जो हमारे ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया जो विशिष्ट उद्देश्य के नाम से संबोधित है कि वहां से हमारे ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, यानी कि शिक्षक हमें वहां से ज्ञाता के रूप में हमें ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया है। इसीलिए हमारा जो लेसन प्लान होता है उसमें सर्वप्रथम हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, क्योंकि शिक्षक के वो उद्देश्य ऐसे होते हैं कि उन उद्देश्यों के बिना हम हमारे आगे की जो ज्ञान देने की प्रक्रिया है उसे हम संपूर्ण नहीं कर सकते। तो इसमें हमारे दोनों चीजों का यहाँ मैं बताने जा रही हूँ, यानी कि एक तरीके से आप उसे विशिष्ट उद्देश्यों का वर्णन भी जान सकते हैं और हमारा जो संचार में हमारे शिक्षक और छात्र की भूमिका है उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम क्या आता है हमारा इसमें? संज्ञानात्मक ज्ञान का निर्माण। सर्वप्रथम है हमारा संज्ञानात्मक ज्ञान का निर्माण। पहला पॉइंट है हमारा संज्ञानात्मक ज्ञान का निर्माण। इसमें संज्ञानात्मक ज्ञान के निर्माण के विकास के लिए शिक्षक और छात्र दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। हम संज्ञानात्मक का पार्टिकुलर अर्थ पहले भी बताई थी मैं आपको। संज्ञानात्मक का अर्थ होता है हमारी मानसिक योग्यता। अब जब शिक्षक हमें जो ज्ञान दे रहा है, यहाँ दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण हुई, क्योंकि जब ज्ञाता जो ज्ञान दे रहा है हमें वो भी शिक्षार्थी की मानसिक योग्यता को ध्यान में रखकर हमें ज्ञान देंगे, और जो विद्यार्थी हैं वो तो अपनी मानसिक योग्यता के अनुसार ग्रहण करेंगे ही। तो यहाँ हमारे दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण होती है कि शिक्षक जब पढ़ाने जा रहे हैं, ज्ञाता जब हमें ज्ञान दे रहे हैं, तो हमें संज्ञानात्मक भूमिका है उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अर्थात हमें ऐसे ज्ञान का निर्माण करना चाहिए जो कि हमारे शिक्षार्थी के मानसिक योग्यता के अनुसार हमें वो ज्ञान प्राप्त हो, और शिक्षार्थी क्योंकि उसी मानसिक योग्यता के आधार पर शिक्षार्थी उस ज्ञान को ग्रहण करते हैं। तो इसमें कई ज्ञान के निर्माण के लिए शिक्षक एवं छात्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें छात्र विषय संबंधी संज्ञानात्मक तथ्यों को समझने के लिए स्वयं प्रयास करते हैं तथा शिक्षक की सहायता प्राप्त करते हैं। यहाँ संज्ञानात्मक हम देखते हैं कि जहां तक होते हैं शिक्षार्थी उस चीज को सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन सहायता कौन करते हैं? हमारे शिक्षक। जब तक जिस ज्ञान हमें शिक्षक के द्वारा नहीं होता, क्योंकि शिक्षक हमें ज्ञान देने में हमारे सहायक होते हैं, उनके बिना हम कैसे ज्ञान हम ग्रहण नहीं कर सकते। तो वही चीज इसमें बताई गई है कि शिक्षार्थी अपनी मानसिक योग्यता के आधार पर उस चीज के बारे में, उस विषय के बारे में ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं, और इसके अंदर हमारे शिक्षक जो होते हैं वो हमारी पूरी सहायता करते हैं, वो ज्ञान प्राप्त कराने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे हम देखें कि विज्ञान के शिक्षक के द्वारा छात्रों को विज्ञान की परिभाषा हम दे दें, विज्ञान के संदर्भ में हमने कुछ बताएं, तो इससे क्या होगा कि जो तथ्य को समझ रहे हैं बच्चे उसे और आसानी से समझें, क्योंकि उस विषय के वो शिक्षक हैं। ज्ञान तो वो ले रहे हैं, लेकिन जब तक उस विषय से संबंधित शिक्षक उनकी सहायता नहीं करेंगे तब तक वो ज्ञान उनके लिए कहते कि पूर्ण रूप से वो ज्ञान नहीं मिल पाता, जब तक हमें उस विषय के ज्ञाता हमें उस ज्ञान को ना दे। तो इसीलिए अगर हमें हमारे ज्ञान का निर्माण करना है, हमें ज्ञान को संज्ञानात्मक स्थिति पर लेकर जाना है,
तो ये चीज होती है कि हमें उसे ले जाने के लिए, हमारी मानसिक योग्यता तक हमें पहुंचाने के लिए हमें शिक्षक की सहायता लेनी होती है। और शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए ये एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि किस तरीके से शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर विविध विषयों के संदर्भ में संज्ञानात्मक का वो निर्माण करते हैं। ये कार्य विशेषज्ञ द्वारा, जो हमारे विशेषज्ञ होते हैं शिक्षक, उनके द्वारा इस कार्य को क्या किया जाता है, संपन्न किया जाता है। तो प्रथम पॉइंट था हमारा संज्ञानात्मक ज्ञान का निर्माण। सेकंड है हमारा इसमें, जो सेकंड हमारा पॉइंट है इसमें, वो है अवबोधात्मक ज्ञान का निर्माण। अवबोधात्मक ज्ञान का निर्माण। अवबोध, पहले भी बताया था, अवबोध का तो मैंने पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया था। अवबोध यानी कि हम जिसके बारे में जानते हैं और समझते हैं, वो अवबोध होता है, जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। तो अवबोध की जो प्रक्रिया है, अवबोध के निर्माण की जो प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत जो छात्र है, छात्र के विषय में हम विविध तथ्यों को हम क्या करते हैं, उनकी तुलना करते हैं। जब हम किसी चीज की तुलना करेंगे तभी तो हम उस चीज के बारे में जानेंगे। हम ये कहें कि हम एक में एप्पल और एक में हम दूसरा फ्रूट लेते हैं, तो हम दोनों की पहचान तो हम कर रहे हैं, हम पहचान करेंगे सेव, लेकिन उसकी पहचान हमारी किस चीज से होगी, उन दोनों की तुलना से, कि ये कौन सा फ्रूट हमारे लिए किस तरीके से हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, कौन सी चीज हमारी किस चीज से ज्यादा अच्छी है। तो हम वही चीज ज्ञान में लेंगे कि हमें कौन से शिक्षक हमें ज्यादा अच्छे पढ़ा सकते हैं, कि ऐसे कौन सी चीज किस मेथड के द्वारा हमें ज्ञान ज्यादा अच्छा पढ़ाया जा सकता है। तो इसमें वही चीज है कि जब तक हम किसी चीज में तुलना नहीं करेंगे, उसकी व्याख्या नहीं करेंगे, उसका वर्गीकरण नहीं करेंगे, इन सबके द्वारा हम इस अवबोध की क्षमता को विकसित कर सकते हैं। योग्यता के द्वारा, तुलना के द्वारा, व्याख्या के द्वारा हम उन चीजों को समझते हैं, जानते हैं, क्योंकि तुलना करने पर हमें हमारे सामने वो चीज सामने आती है कि हमारे लिए क्या सर्वश्रेष्ठ है। तो बिना अवबोध यानी कि उस चीज की पहचान हमें जब तक नहीं होगी, जब तक कि हम उसकी तुलना नहीं करें। हम एक चीज माने कि गणित के शिक्षक जो होते हैं, हमें त्रिभुज की अवधारणा के बारे में बताएं, त्रिभुज की हमें आकृति बनाकर दे दें, लेकिन जो त्रिभुज की तुलना है और उसकी व्याख्या है, हम कब करेंगे, जब हम विभिन्न विभिन्न प्रकार के त्रिभुज बनाएंगे, हम कोई संभव त्रिभुज बनाएंगे, हम द्विसंभव बनाएंगे, तो ये जब त्रिभुजों की आकृति हम बनाएंगे तो हम उसमें आपस में उसकी तुलना करेंगे, हम उसकी पहचान करेंगे कि ये कौन सा त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है, क्योंकि उसकी पहचान हमें होगी कि त्रिभुज क्या है। तो कहा जाता है कि जब तक हम जिस चीज की व्याख्या नहीं करते, तुलना नहीं करते हैं, तो हमें उस चीज के बारे में, उस चीज की अवबोधात्मक ज्ञान की हमें कमी रह जाती है। तो अगर हमें किसी चीज का अवबोध करना है, हमें उस चीज की ज्ञान प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें अवबोधात्मक क्षमता का विकास करना चाहिए। तो ये है हमारा इसका सेकंड पॉइंट। थर्ड आता है हमारा अनुप्रयोगात्मक ज्ञान का निर्माण। अनुप्रयोगात्मक ज्ञान का निर्माण। यहां हमने स्पष्ट देखा संज्ञानात्मक यानी कि हमारी मानसिक योग्यता, हमारी क्षमता। सेकंड, क्षमता के आधार पर हमने क्या किया, उसकी पहचान की, अवबोध किया उसके बारे में। अब जब हम उस चीज का अवबोध कर रहे हैं, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसका अनुप्रयोग यानी कि जो सीखा है हम उसका अनुसरण करेंगे। किसके माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से। अनुप्रयोगात्मक, सीखी हुई चीजों को हमें प्रयोग में लेना, किसी चीज का अनुकरण करके हमें उसका प्रयोग में। यहाँ हो गया हमारा अनुप्रयोगात्मक। इस सोपान के अंतर्गत हम क्या करते हैं, छात्रों के विषय संबंधी ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उसका अपने जीवन में हम उपयोग करना सिखाते हैं, कि किस तरीके से जो ज्ञान, जिसकी हमने पहचान की है, वो ज्ञान किस तरीके से हमारे जीवन में उपयोगी है, और वो उपयोगी कब होगा, जब हम उसे अपने जीवन में काम में लेंगे। जो ज्ञान हमारे भविष्य में हमारे काम आएगा, हम उसी ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। हम देखते हैं कि जो चीज हमें लॉन्ग टाइम तक, हम जब मार्केट में जाते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उस चीज को किन
या कितने परसेंट लोगों ने इसके लिए एक सहमति प्रदान की है कि ये चीज अच्छी है, तो वो किससे प्रयोग किससे पता चला है उसके प्रयोग करने से। तो वही चीज है कि हमें अगर किसी चीज की वैल्यू जाननी है तो हम उसके प्रयोग पर ध्यान देते हैं कि कितने लोगों ने इसे प्रयोग में लिया और कहां तक ये चीज सफल रही। तो वही चीज है कि हम जब तक इसे अपने जीवन में उपयोग में नहीं लेंगे, इसे प्रयोग करके नहीं देखेंगे तब तक हम उस ज्ञान की पुष्टि नहीं कर सकते कि ये ज्ञान हमारे लिए कितना उपयोगी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो सीखा है, जो ज्ञान हमने सीखा है, उस ज्ञान को हमें हमारे जीवन में हम काम में लेंगे। छात्र क्या करेंगे, जो ज्ञान सीखा है उसे हमें दैनिक जीवन में हम उसे काम में लेते हैं, हम शिक्षक उस पर परिचर्चा करते हैं। हम ये कहें कि गणित का जो हम ज्ञान लेते हैं, गणित को हम किस तरीके से हमारे जीवन में उपयोग में लेंगे। हम मार्केट में जाते हैं, हम कोई चीज खरीदते हैं, हम पैसा देते हैं, तो वो पैसे की काउंटिंग किसके माध्यम किसमें आ गई, हमारी मैथ में। यानी कि हम एक छोटे बच्चे को भी, उसे जब हम शॉप पर जाते हैं तो जो गणित उसने सीखी है, जो प्लस माइनस उसने सीखा है, उसका प्रयोग हम ये कहेंगे बच्चे से कि आज आप शॉप पर जाओ और ये पैसे लो और आप सामान खरीदो, आप देखो कितने पैसे बचेंगे। नहीं, हमने उसके जीवन में उसको उपयोग करना सिखाया, जो मैथ उसने प्रयोग में, जो मैथ वो सीख रहा है, गणित जो सीख रहा है, उसका प्रयोग के लिए हम उसे जीवन में उसे प्रयोग लाना सिखा रहे हैं। अर्थात जो ज्ञान हम लेते हैं वही ज्ञान हमारा जब प्रभावी होगा, जब हम उसे हमारे जीवन में काम में लेंगे। अब आता है तीसरा हमारा, जब हमने ज्ञान में सीख लिया, ज्ञान को प्रयोग में ले लिया, तो हम उसमें हम क्या करेंगे, कौशलात्मक ज्ञान का निर्माण, कौशलात्मक ज्ञान का निर्माण, कौशलात्मक ज्ञान का निर्माण। योग्यता हासिल के द्वारा हमने ज्ञान लिया, ज्ञान लेने के बाद हमने इसकी पहचान की, पहचान करने के बाद हमने इसको प्रयोग में लिया, और लगातार हम जिस चीज का प्रयोग करेंगे तो हमारे अंदर क्या आएगी, उसके लिए कौशलता हासिल होगी, अर्थात हम निपुण हो जाएंगे उस चीज में। कौशलात्मक का अर्थ मैंने पहले बताया था कि जिस चीज में, जिस क्षेत्र में हम पारंगता हासिल कर लेते हैं, निपुणता हासिल कर लेते हैं, जब हम जिस चीज के बारे में हम प्रयोग करके हमारे जीवन में बार बार देख रहे हैं, तो बार बार उस कार्य को जब हम करेंगे तो क्या होगा, उसमें हमारे लिए निपुणता हासिल होगी। एक शिक्षक के लिए उसकी सबसे बड़ी कौशलता होती है उसका अध्ययन करवाना, कि किस किस माध्यम से अध्ययन। हम क्यों ये कहते हैं कि हमारे लिए एक अनुभवी शिक्षक होना चाहिए, क्योंकि हम इसलिए मानते हैं कि वही अनुभवी शिक्षक ने जो वो शिक्षण जो हमें करवा रहे हैं, वो उन्हें बार बार उन्होंने प्रयोग करने पर सीखी है, तो उन्होंने बार बार में प्रयोग करके उसमें एक तरीके से पारंगता, कौशलात्मकता हासिल कर ली है। तो वही चीज यहाँ पर है। अगर हम इस चीज के लिए कहें, एक छोटे बच्चे को हम एक छोटा सा डायग्राम देते हैं बनाने के लिए, एक ड्रॉइंग करने के लिए देते हैं, वो बच्चा एक बार वो चीज खराब बनाएगा, दूसरी बार बनाएगा, तीसरी बार तो वो सही बनाएगा, और तीसरी या चौथी बार बनाने पर जैसे जैसे वो बार बार में उस कार्य को करेगा, तो उसमें क्रिएटिविटी, एक कौशलात्मकता का विकास होगा। तो कहते हैं कि जब हम जिस चीज को सीखते हैं उसके अंदर जब हम निपुणता हासिल करते हैं, तो वो हमारा कौशलात्मक ज्ञान होता है। कौशलात्मक ज्ञान के निर्माण के लिए शिक्षक एवं छात्र दोनों सहभागिता से संपन्न होता है। जैसे हम देखें कि एक सरल रेखा या समांतर रेखा हम बनाते हैं, तो शिक्षक क्या करते हैं, उन रेखाओं के माध्यम से, जैसे हमें ये रेखा, सबसे प्रथम बच्चों को ये रेखा सीखो, वो सीधी रेखा खींचना सीखेगा, उसके बाद हम उसे तिरछी लाइन सिखाएंगे, तिरछी लाइन सिखाने के बाद हम उसे एक पूरा, जैसे हम ये कहते हैं त्रिभुज अगर बच्चे को सिखाना होता है, तो सब प्रथम हम कहेंगे बच्चे से कि आप पहले नीचे वाली लाइन सीखो, फिर ये वाली ऊपर वाली लाइन, फिर ये तिरछी लाइन, तो एक दिन वो बच्चा बहुत ही अच्छी तरह से त्रिभुज की आकृति सीख जाएगा। यानी कि हमने उसे एक कौशलात्मक निपुणता हासिल करने के लिए ये चीजें सिखाई है। तो ज्ञान ऐसा होना चाहिए जिसमें कि हम पारंगता हासिल कर ले। तो कहते हैं कि शिक्षक के बिना शिक्षार्थी जो ज्ञान है उसमें उतने पारंगत नहीं हो सकते, क्योंकि शिक्षक हमारे ज्ञान प्रदान करते हैं, वो हमारी एक अहम भूमिका होती है। फिर है हमारा लास्ट में हमारा है अभिव्यक्त्यात्मक। सेकंड फर्स्ट था हमारा संज्ञानात्मक, सेकंड था हमारा अवबोध, थर्ड था हमारा अनुप्रयोगात्मक, फोर्थ था हमारा कौशलात्मक, और लास्ट है हमारा अभिरुचात्मक। फिफ्थ नंबर पे है हमारा अभी, जो हमारा यानी कि अभिरुचि प्रदान करना,
इसमें है हमारी अभिवृता, अभी जो हमारी ये अभिरुचि जागृत करते हैं इस ज्ञान के लिए कि किस तरीके से हम इसमें ज्ञान, जो हमारी रुचि होती है, हमारा इंटरेस्ट होता है, वो हम किस तरीके से जागृत कर सकते हैं। अभिरुचात्मक ज्ञान का निर्माण, अभिरुचात्मक ज्ञान का निर्माण, इसमें हम इस सोपान के अंतर्गत हम क्या करते हैं, छात्र और शिक्षक के बीच में जो विषय संबंधी होती है, जो विषय का वो ज्ञान दे रहे हैं, उसमें हम रुचि जागृत करते हैं, इंटरेस्ट। हमने देखा है जब तक जो विषय शिक्षक पढ़ा रहे हैं, अगर छात्र की उस विषय में अगर रुचि नहीं होगी तो क्या होगा, जो शिक्षक जो ज्ञान दे रहे हैं या हम कहें शिक्षक का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को वो पूरा नहीं कर पाएंगे। यानी कि बच्चों के अंदर इंटरेस्ट जागृत करने के लिए हमें इस प्रयोग, ये जो बिंदु है वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण होता है। हमें इंटरेस्ट जागृत करना होता है बच्चों में विषय के प्रति, कि जिससे बच्चे उसे जल्दी से और आसानी से समझें, और जो शिक्षक की जो शिक्षण प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ही हमारी एक महत्वपूर्ण बने। तो इसके लिए हम कहते हैं कि अभिरुचि वृद्धि करता है तथा विविध प्रकार की जो हमारी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को क्या करते हैं, शिक्षार्थी प्रस्तुत करते हैं तथा जो शिक्षक है हमारे उन समस्याओं का समाधान करते हैं। इसके साथ साथ शिक्षक के द्वारा जो छात्रों को जो ज्ञान प्रदान किया जाता है उसमें वो रुचि का प्रदर्शन करते हैं। छात्र जब अपने रुचि का प्रदर्शन करते हैं तो जो हमारी अधिगम प्रक्रिया है, अधिगम प्रक्रिया में तथा जो शिक्षक के द्वारा अपनी रुचि का जो प्रदर्शन किया है, जो जो शिक्षण प्रक्रिया में किया जाता है, इस आधार पर हम क्या करते हैं, उसमें अभिरुचात्मक ज्ञान की वृद्धि होती है। यानी किस तरीके से शिक्षक ने उसने प्रेजेंट किया है, यानी शिक्षक को ये ध्यान रखना होता है कि जो वो ज्ञान जिस विषय के टॉपिक का या जिस विषय का वो ज्ञान दे रहा है, तो शिक्षक को सबसे पहले ये ध्यान रखना होता है कि वो ऐसा टॉपिक तैयार करे जिससे कि शिक्षार्थी उस विषय में इंटरेस्ट ले। क्योंकि अगर शिक्षार्थी आपके उस विषय में अगर रुचि पैदा नहीं करा सके शिक्षक, तो छात्र उसमें इंटरेस्ट ना लेंगे, उनकी सहभागिता नहीं होगी, और शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच, जब कहते हैं ना शिक्षक को अगर शिक्षार्थी की सहभागिता नहीं होगी दोनों की शिक्षण प्रक्रिया में, तो वो शिक्षण प्रक्रिया कभी भी सफल नहीं हो पाती। तो जो शिक्षक का उद्देश्य है उसे पूरा कराने के लिए और इंटरेस्ट जागृत करने के लिए उन्हें ऐसे विषय का इस तरीके से उन्हें विषय अपना ज्ञान निर्माण करना होता है कि बच्चे स्वतः ही उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें। फिर लास्ट में आता है हमारा अभिवृद्धात्मक, अभी यानी कि जो हमारी खुद की कहते हैं अभिवृद्धात्मक क्या होता है, ये अभिवृद्धात्मक का अर्थ होता है सकारात्मक दृष्टिकोण, जिसके प्रति हम अभिवृत्ति हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। अभिवृद्धात्मक का निर्माण, अभिवृद्धात्मक ज्ञान का निर्माण, अभिवृद्धात्मक ज्ञान का निर्माण, इसमें कहते हैं हम इस विषय के अंतर्गत शिक्षक विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास करते हैं। कि जहां कई बार ऐसा होता है कि जब शिक्षक उस ज्ञान किसी चीज के बारे में ज्ञान देते हैं तो बच्चों में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ना आए, या हम कहें कि वो ये मन ना समझे कि शिक्षक हमें जो ज्ञान दे रहे हैं कहीं हमें ये ज्ञान कहीं त्रुटि तो नहीं है उसमें। यानी कि शिक्षक को चाहिए कि हर संभव स्थिति में वो जो शिक्षार्थी का दृष्टिकोण है वो सकारात्मक दृष्टिकोण रहे उनके उस ज्ञान के प्रति। अगर शिक्षार्थी की कहीं नेगेटिव नकारात्मक दृष्टिकोण आ जाता है तो जो ज्ञान निर्माण की शिक्षक की प्रक्रिया है वो विफल हो जाती है, और शिक्षक स्वयं भी उस चीज के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं। वो अपना अगर कंसेप्ट उनका क्लियर नहीं होता है तो वहां क्या होता है, वहां नकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। इसलिए जब भी हम ज्ञान का निर्माण करें, संचार करें, तो कौन से दृष्टिकोण का होना चाहिए, अभिवृद्धात्मक, यानी कि हर ज्ञान का पहलू सकारात्मक होना चाहिए। तो ज्ञान निर्माण करने से पहले शिक्षक को इस चीज का ध्यान रखना होता है कि जो विषय ज्ञाता जिस चीज के बारे में ज्ञान देने जा रहे हैं वो ज्ञान हमारा एक सकारात्मक
दृष्टिकोण का विकास करेगा। यानी कि एक छात्र जब हम देखते हैं कई बार कि किसी विषय के प्रति इनको निरसता कठिनता अगर उन्हें आ जाती है, वो क्यों आती है? उसी कारण आती है कि वो कहीं ना कहीं वो इस अभिदात्मक इस सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास नहीं हो पाता है। हम कई बार उस चीज के प्रति अपना नकारात्मक दृष्टिकोण बना लेते हैं कि हमें नहीं आता, या हम कहें कि शिक्षक ने हमें नहीं समझाया। हम कई बार जो बच्चे जिस विषय से दूर भागते हैं उस विषय का कारण क्या है? उस विषय के प्रति उनका नकारात्मक दृष्टिकोण। इसीलिए हमें हर विषय के प्रति हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। अगर हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण होगा तो हम जिस चीज को समझेंगे। इसीलिए कहते हैं कि समस्याएं और हमारी कठिनाई, जो हम विषय के संबंधी हमारी कठिनाई आती है वो हमारे दृष्टिकोण की वजह से आते हैं। तो बच्चों, ये हमारी एक ज्ञान की ज्ञान संचार की जो शिक्षक और छात्र की भूमिका है उसके बारे में मैंने अध्ययन किया कि इन दोनों के बीच में कौन कौन सी, क्योंकि ज्ञान के निर्माण में इन दोनों का जो स्थान होता है वो महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जो शिक्षण प्रक्रिया है ना तो शिक्षक के बिना संभव हो पाती है और ना शिक्षार्थी के बिना संभव होती है। तो ये थे हमारे ज्ञान के संचार में शिक्षक तथा छात्र की भूमिका। धन्यवाद।